सर, आज विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा सदन में एक टिप्पणी की गई, तो उस पर आपका क्या कहना है आपको लेकर? देखिए, टिप्पणी हमें तो शुरू में समझ भी नहीं आई। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री ने कुछ ऐसी बात बोली है, वो आज हाउस में प्रेजेंट नहीं है। मैंने उनकी वो कॉपी निकलवा ली है, मैं अगर आपको चाहिए तो उसकी कॉपी देता हूँ जो उन्होंने अंदर हाउस में बोला। उन्होंने कहा कि वो अमूमन दल बदलते रहते हैं। तो मैंने तो जब से राजनीति शुरू की है तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, ये आज़ाद लड़ा, कांग्रेस में कभी नहीं किया, किसी और दल में मैं कभी। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो हाउस में प्रेजेंट नहीं, मैं तो हाउस में प्रेजेंट था। पर बाद में जिस तरीके से उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि अपनी खलड़ी में रहे मंत्री, तो मुझे दो मिनट तो ऐसा नहीं लगा कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए। बट देन आई रियलाइज्ड कि मंत्री तो सब एक ही हैं, कोई भी है, किसी ना किसी को तो बोलना चाहिए। तभी मैंने उनको खड़े होकर पूछा कि आप कृपा करके मंत्री का नाम लें, अगर आप हिम्मत है तो बताइए किस मंत्री को आप, वो भी जो मैंने बोला उसकी कॉपी भी मेरे पास है, कि आप किस मंत्री की बात कर रहे हैं और किस खलड़ी में रहने की बात कर रहे हैं। कोई किसी से डरता नहीं है, ना ही मैं आपसे डरता हूँ, आइए आइए अंदर, ना ही मैं आपसे डरता हूँ और ना ही मुझे किसी के डरने की या किसी को सफाई देने की जरूरत। बाकी डिटेल में मैं मंडे को पहला वक्ता हूँ विधानसभा में, उसमें मैं डिटेल में आपको पूरी बात वहाँ पर अंदर हाउस में रखूँगा। पर एक पहले टर्म में आए हुए व्यक्ति को इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कि दो तिहाई हिमाचल प्रदेश में हमारा राज है, एरोगेंस, रजवाड़ाशाही का एक ओपन एग्जाम्पल, इतना दिमाग फट गया, इतना एरोगेंस। 6000 वोटों से सीट जीती है आपकी माता, आपको बधाई। मुख्यमंत्री की बीवी के रूप में आप हारी भी थी, इसलिए आज के दिन में इस तरीके इस भाषा का एक सीनियर मेंबर्स के अगेंस्ट बात करनी। और जो कुछ मैंने उस दिन हाउस में बोला है गवर्नर एड्रेस में, मैं उसकी कॉपी भी आज लेकर आया। मैं शायद यही काम कर रहा था, मैं उसकी कॉपी भी लेकर आया, वो भी मैं प्रेस को दूंगा, मंडे को रिलीज करूंगा कि उसमें मैंने क्या ऐसा लफ्ज़ बोला और मेरे को किसने इंटरप्ट किया और मैंने ऐसा क्या बोला जिससे ये हर्ट हुए। इसका मैं इनकॉन्शियस कहीं ना कहीं तो ऐसी कोई दर्द छुपा हुआ है छाती में, कोई ऐसा सीने में दर्द छुपा हुआ है जिसको मैंने कहीं गलती से हिला दिया और लगता है कि पिछले 5-6 दिन से सोए नहीं। वो दर्द, वो भ्रष्टाचार, कुछ ना कुछ डरा रहा है, कुछ ना कुछ आपको हिला रहा है। तभी तो आपने आज हाउस में बिना इजाजत के, बिना परमिशन के एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने उठाया, जिसका मुद्दा ना आपको समझ आया, ना मुझे समझ आया, ना किसी को समझ आया किस मंत्री की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और बाहर जाके जब आपको बैठ दिए तो वहाँ पर इन्होंने मेरा नाम लिया, वन मंत्री बोल के कहा कि वन मंत्री अपनी खलड़ी में रहे। अगर ये कल के बच्चे आगे हमारे को खलड़ी में रहने की आदतें सिखाएंगे तो फिर हम जो सिखाएंगे तो वाकई भी अपनी खलड़ी में घुस जाएंगे। इसलिए मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये पूर्व में रहे मुख्यमंत्री के बेटे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं, कि ये आज ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। बट दैट शोज द फ्रस्ट्रेशन, इससे साफ नजर आता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितना गिल्ट है, कितना गिल्टी कॉन्शियस है, कितना बुरा हाल है। बाकी जो कुछ आपने कमाया, जो कुछ किया है, वो तो मैं बताऊंगा, उसमें क्यों नहीं बताऊंगा, मैं नहीं डरता किसी से और डरना भी क्यों। बाकी मैंने मंडे को इस मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया उस पर पार्टिसिपेट करूंगा, अपनी बात को रखूंगा, उसके बाद आपसे बात। राकेश जी, जिस तरह से अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल आज भी हुआ और हो रहा है, क्या लगता है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अपनी एक गरिमा है पूरे देश भर में, क्या इस तरह के वर्डिंग्स इस्तेमाल होने चाहिए? अब आपको ये फैसला करना है, निर्णय लेना कि ये वर्डिंग कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, एंड इसका उपयोग कौन कर रहा है और किस भाषा में कर रहा है। अगर आपने हमें इस उम्र में आगे समझाना है, स्कूल ऑफ थॉट समझाना है, और स्कूल ऑफ थॉट को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप बार बार उस बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं, तो फिर ऐसी भाषा सुनेंगे? और गलत क्या बोला? आई एम क्वाइट ओपन टू एनी डिफॉर्मेशन इन एनी कोर्ट ऑफ द कंट्री, उल्टा मैं करूंगा, और डरने वाला नहीं हूं मैं किसी से। और जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कहां पे कोई गिल्ट है, कहां पे दो कैसे, ऐसा कौन सा दर्द आपके अंदर छुपा हुआ है जिससे आप डर रहे हैं? मेरे लिए तो इज लाइक अ यंगर ब्रदर, मैं नहीं समझता कि ऐसी भाषा का इनको प्रयोग करना चाहिए, पर अगर प्रयोग करेंगे तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा। लेट हिम बी वेरी क्लियर ऑन दिस। राकेश